नमस्ते, आज हमारे लिए हर्षित अवसर है। हमारे साथ हैं परम पूजनीय नानाजी देशमुख जी की परिकल्पनाओं को साकार करने वाली श्रम ज्ञान व मेधा की शाश्वत प्रतिमूर्ति आदरणीय बहन नंदिता पाठक जी। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार, स्वागत है, थैंक यू। हमने वो दौर देखा था, वह दौर चित्रकूट का, जब लोग वहाँ बसने से, अपना जीवन यापन करने से भी डरते थे। ऐसा वह जीवन में कौन सा क्षण आया कि उनके लिए काम करने का अद्भुत शुभ संकल्प आपने धारण कर और अपना जीवन की धारा आपने मोड़ दी चित्रकूट के अंचल में? मैं वो टर्निंग पॉइंट जानना चाहता हूँ। क्या हुआ, ये सब जो भी होता है वो पहले से ही लिखा हुआ भगवान के द्वारा हम लोग जमीन पर आते हैं। भगवान निर्धारित करते हैं किस रास्ते में हम लोगों को निकलना है, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी माँ लोग इस तरह के काम में मैं देखते आई उन लोगों को, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हमको हर समय ये लगता था कि हमें अच्छे नौकरी करना है, खूब पैसा कमाना है और बढ़िया डॉक्टर बनकर अच्छी शादी करके अमेरिका जाना है। तो उस समय पर इसके लिए हम पढ़ाई करते थे कि पढ़ाई के माध्यम से हम खूब पैसा कमाएंगे और अच्छे वो बनना है। लेकिन भगवान की दया ऐसी होती है, जबलपुर में जब हमने MSc कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद अचानक हमें पता चलता है कि चित्रकूट में कोई नाना जी हैं जो कुछ ग्रामीण पुनर्रचना के लिए वे काम करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो हम नाना जी को मिलने आते हैं और आपको वो क्षण यदि मैं अभी भी याद करती हूँ तो उनकी आँखों की वो शक्ति है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि नाना जी हमारे सामने हैं और नाना जी हमको देखे और कहते हैं ये भी लकड़ी है। मैं बहुत पतली दुबली थी तो उनको लगता था कि इतनी पतली लड़की ये कैसे है, लड़कियों को स्वस्थ रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, ताजगी भरी हुई होनी चाहिए। हमें लगा इतने बुजुर्ग होने के बाद इस तरह के व्यक्ति भी हो सकते हैं क्या जो ऐसे मजाक करते हैं और बात करते हैं युवा वर्ग से। फिर नाना जी ने हमें एक चीज़ बोला कि आपने पढ़ाई क्या किया, तो हमने बोला हमने होम साइंस से पढ़ाई किया। तो सीधा उन्होंने एक क्वेश्चन किया जो मुझे उस समय तक किसी ने नहीं किया था, व्हाट डू यू मीन बाय होम। तब हमें लगा कि मैंने जितना पढ़ाई किया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, यहाँ मैं फेल हो गई हूँ, मैं होम की परिभाषा न समझा पाई। फिर नाना जी ने हमें कहा कि तुम्हारी जैसे लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बस वो बात थी, आज तक हमने मुड़ के नहीं देखा। और चित्रकूट में माननीय नाना जी ने जो भी दायित्व हमें देते थे हम धीरे धीरे सीखते गए और नाना जी सिखाते गए, और नाना जी के द्वारा लाए हुए कार्यकर्ता भी इतने अच्छे थे, वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी काम में लगाने का प्रयास करते थे। तब हम 1994 से लेकर 2014 तक हम लोग पूरे उसी काम में मैं लगी रही और नाना जी का आशीर्वाद था कि हम चित्रकूट जैसे जगह पर काम करते चले। एक वह प्रेरक वाक्य था जो हम सबको सुनने में आता है और मुझे लगता है कि वो नाना जी का ध्येय वाक्य था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। चित्रकूट अंचल के 500 से अधिक ग्राम को स्वावलंबन बनाने की यात्रा में आप नाना जी के साथ सहभागी रही हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई और उद्यमिता विद्यापीठ के माध्यम से उन हाथों को काम कैसे मिला और ऐसे लोग जो अकुशल कहलाते थे वो अपने स्थानीय स्तर पर भी अपने ग्राम में रहते हुए, अपने ग्राम में निवास करते हुए भी उनके हाथों में हुनर कैसे आया, उसकी यात्रा की एक झलक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रसंग आपने छेड़ा है, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। ये माननीय नाना जी का खुद का लिखी हुई ये एक रचना है। और नाना जी गोंडा में जब काम प्रारंभ किए थे वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तब उन्होंने ट्यूबवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल में भी लोहा की जगह पर उन्होंने बांबू डाला था, बांस डालकर पूरे खेती में पानी देने का काम उन्होंने किया। उस टाइम पर यह गीत उन्होंने लिखा था और तब के राष्ट्रपति जी नीलम संजीव रेड्डी जी उस काम को देखने गए। वही गीत को हम लोगों ने चित्रकूट में भी पूरा प्रारंभ किया था स्वावलंबन अभियान के माध्यम से। माननीय नाना जी हम लोगों को एक दिन बोले एक पूरा राइटअप लिखने के लिए, तो हम लोग स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत लिखना प्रारंभ किया और हम लोगों ने लिखा गांव को सबसे पहले स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन विलेज होना चाहिए, ग्रीन विलेज होना चाहिए, ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पूरा लेके नाना जी को लेखा जोखा दिखाने चले गए। नाना जी ने ऐसे सर पे हाथ रखा,
उनके अंदाज ही अलग थे समझाने का। ऐसे हाथ पे रख, सर पे हाथ रख के बोलते, अरे भाई जब आदमी खाएगा ही नहीं तो कहाँ वो गंदगी करने जाएंगे। पहले आप गांव के युवा को, गांव के लोगों को रोजगार के माध्यम से उनको पैसा कमाने की व्यवस्था करो, अच्छे से खाएंगे पिएंगे तब वो विद्यालय के बारे में सोचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, हरा भरा गांव होगा, विवाद मुक्त गांव होगा कहा। तो मान्यवर नाना जी, गोंडा के अनुभव ऐसे थे उनके, गोंडा में उन्होंने कहा था पहले प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण उपरांत लोग रोजगार प्रारंभ करेंगे। पर नाना जी ने वहाँ अनुभव किया कि ये सफल प्रयोग नहीं है, क्योंकि लोग प्रशिक्षण लेने के बाद सबके सब अपना रोजगार स्थापित नहीं कर रहे थे। चित्रकूट में उन्होंने कॉन्सेप्ट को बदला, वो पहले था ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स था, बाद में नाना जी ने चित्रकूट में प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर्स, पहले उत्पादन करेंगे, लाभ कमाएंगे, खुद अपन पढ़ाने लायक होंगे, तब युवा वर्ग को कहेंगे आटा का काम करो, टाइल्स का काम करो, सिलाई का काम करो और अपने लोह कला का काम करो, ये सब बता सकते। यदि उदाहरण नहीं होगा, मॉडल्स नहीं होंगे, युवा वर्ग अट्रैक्ट नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, सीखने के बाद स्वरोजगार नहीं करेंगे। तो उद्यमिता विद्यापीठ मान्यवर नाना जी का दिया हुआ यह नाम, वहाँ उद्यमी लोग पूरे तैयार होते थे और उद्यम करते थे। अपना जब ट्रेनिंग के दौरान जो पैसा वो लोग कमाते थे काम करते हुए, उन पैसे से हम लोग उनको छोटे छोटे उपकरण खरीद कर देते थे, गांव में स्वरोजगार प्रारंभ किया था। आपको मैं छोटी सी उदाहरण बताती हूँ। नाना जी बोलते थे, भाई युवा ही नहीं हर व्यक्ति काम के होते हैं, तुम खोजो एक एक गांव में कौन ऐसे है जिसके घर में रोटी नहीं मिल रही है, उस महिला को या उस परिवार को, ऐसे परिवार को भी चुनकर तुम रोजगार दे दो। बोले हम लोग एक गांव में गए, देखे तो एक अंधी औरत थी, उनको दिखता नहीं था, और आप जानते हो महिलाएं सक्षम है तो समाज फिर भी थोड़ा मदद करती है, यदि सक्षम नहीं है महिलाएं उसको कोई नहीं पूछता। उसको दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा था, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा था। फिर नाना जी को आके हमने बताया, नाना जी एक महिला है, तो वो बोले मतलब एक महिला ऐसी, कई तो थे परिवार लेकिन एक महिला ऐसी कि उसकी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा उसके लिए क्या कर सकते हो। तब हम आंवला, चित्रकूट में सबसे ज़्यादा कच्चा माल आंवला होता था, उन्होंने कहा नाना जी मैं आंवले के माध्यम से उनको रोज़गार कुछ दे दूंगी। फिर हम लोग ने चित्रकूट के आंवले को गांव में ले जाते थे अपनी गाड़ियों में, वहां महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया था कैसे उसको गुदाई करनी है आंवला मुरब्बा बनाने के लिए, उस महिला को भी हम लोग ने ट्रेंड किया था। वो भले दिन में 5 किलो गोदती थी, लेकिन तब हम लोग, ये मैं आपको 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, पर किलो हम लोग 2 रुपये जॉब रेट पे रखते थे, भले वो 10-15 रुपये कमाती थी लेकिन वो स्वाभिमान का पैसा था। इस तरह उद्यमिता विद्यापीठ लोगों को, नाना जी बोलते थे बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो विषमता बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको कम करने का तरीका तुम लोग उद्यमिता के माध्यम से खोजो। तो हम लोगों ने वहाँ जो भी काम किया है पोल्यूशन रहित उद्योग, उसके लिए भी नाना जी उदाहरण, हम लोग प्लास्टिक डिब्बा बनाने का यूनिट डाले थे, पोल्यूशन फैला रहा था उसको बंद किया। तो कुल मिलाकर हम लोग ने जो किया, कच्चा माल आधारित उद्योग, आवश्यकता आधारित उद्योग। तो उसका संग्रह, वो वनोपज का संग्रह कैसे करते थे? वनोपज के संग्रह के लिए हम लोग ने क्लस्टर्स पूरा, तब कपाट का एक प्रोजेक्ट चला था, हम लोग वो लिए थे, पहले से भी करते थे लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं हो पाता था। वनोपज का संग्रह में सिर्फ आंवला जिनकी खेती में होते थे वो लेते थे, हम लोग वनों वाला नहीं लेते थे क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी निर्यात की व्यवस्था, हाँ उसमें पूरा आंवला हम लोग, जैसे खेती में भी हम लोग केवीके के माध्यम से घर घर में आंवले का पेड़, करौंदे का पेड़, ऐसे जिन लोग कर सकते थे उनका किया, किसी के यहाँ गेहूं अच्छा हो रहा है, किसी के यहाँ चना अच्छा हो रहा है, किसी के यहाँ सरसों अच्छा हो रहा है, हम लोग ने क्लस्टर्स बनाए थे गाँव गाँव में, और अपनी गाड़ियाँ जाती थी, हम लोग तराजू लगाते थे, वहीं तौलते थे, वहीं उनका हिसाब होता था, कोई मीडिएटर नहीं था, अपने यहाँ लाते थे। उद्यमिता में पूरे तेल बन रहा, आटा बन रहा, दाल बन रहा है, अचार बन रहा, पापड़ बन रहा, मुरब्बा बन रहा, और उसको बेचने के लिए भी हम लोग को समस्या नहीं आती थी। जहाँ पे भी बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ होती थी वहाँ ले जाते थे। और चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली है, राष्ट्र ऋषि नाना जी की कर्मस्थली होने के कारण इतने लोग आते थे, कोई बड़े लोग आते थे तो हमको, आपको मैं बताऊँ, उद्यमिता जब तक मैं वहाँ पर काम की, करोड़ों का वहाँ पर टर्नओवर हो गया था।
शुरुआत हमने एक क्विंटल आंवला से किया था, अब वहाँ पे टन्स में मुरब्बा बनता है। निंदा दीदी, आमतौर पर देखने में आता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो ग्रामीण जन हैं वो संगठित नहीं रह पाते, लेकिन एक अद्भुत प्रकल्प दीनदयाल शोध संस्थान का चित्रकूट में उद्यमिता विद्यापीठ की, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ऐसा कौन सा प्रेरक तत्व था जो उनको लंबे समय तक संगठित रख पाया, तब तक जब तक कि उनके भीतर आर्थिक स्वावलंबन शक्ति का निर्माण नहीं हो गया, ऐसा वह कौन सा प्रेरक तत्व था जो उनको संगठित रख पाया? एक, हम लोग क्या करते थे, जब प्रशिक्षण के लिए बच्चों को लेना होता है तभी हम लोग चयन बहुत अच्छा करते थे, सही में ये काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसमें हम लोग बिल्कुल सिलेक्शन करते वक्त फिर देखा कि वो बिल्कुल अनस्किल्ड है कि सेमी स्किल्ड है कि स्किल्ड व्यक्ति है। स्किल्ड व्यक्ति को हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते थे, स्किल्ड व्यक्ति को कहते थे तुम्हें हम काम करवाएंगे, सेमी स्किल्ड को स्किल्ड बनाते थे, अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाते थे। वो जो दौरान हम लोग के बीच में रहते थे, उनको जो भी अच्छे लोग आते थे उनसे उनकी मुलाकात कराना, अच्छी अच्छी बातें दिखाना, अपनी परंपराएं, अपनी पद्धतियां और कैसे अपने को मिलजुल के रहने से कैसे ताकत बढ़ती है, ऐसी कहानियां सुनाना। और नाना जी का जो गीत आपने शुरू किए थे, मिलजुल के मेहनत करे मेहनत वो रंग लाएगी, ये वाली बात उनके अंदर डालना और प्रयास करते करते उनको ट्रेनिंग देते थे। और जो मूल बिंदु की बात, आप गांव में कैसे रहते, उसके लिए नाना जी का अनोखा प्रकल्प था समाज शिल्पी दंपति योजना। अपने ग्रेजुएट कपल्स गांव में रहते थे, जो प्रशिक्षित युवा वापस चले गए, निर्धारित अवधि भी थी उनके लिए, हम लोग 5 साल का समय देते थे, 3 साल तक वो एक गांव में रहते थे और वो पंचायत को पूरे स्वावलंबी जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर उनकी दिनचर्या का निर्धारण, उनका सुबह से अपना दिन का करने के बाद बच्चों के अंदर बाल संस्कार देने का काम, और बाल संस्कार देने के बाद फिर घर घर में संपर्क करना, जहाँ पर जो विषय उनको समस्या आ रही है उसका समाधान करना, कृषि का हो तो जो प्रकल्प है प्रकल्पों के माध्यम से उनसे मिलना जुलना बात करना, और कुल मिला के गाँव वालों को जोड़ के रखने के लिए एक युवा दंपत्ति गांव में रहते थे, जो कि वो धन कमाने की इच्छा से नहीं आते थे, वो सामाजिक दृष्टिकोण से आते थे, अपने बच्चों को भी उसी विद्यालय में पढ़ाते थे जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते। वो जो दंपत्ति है इन बच्चों को कंटिन्यूस निगरानी रखती है, तो बच्चे कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए उनमें ग्रामीण जनों का सहयोग, जो समाज पोषित समाज की जो परिकल्पना थी जी, तो मुझे लगता है उसी दिशा में यह प्रभावी हुआ। बिल्कुल, समाज यदि नहीं चाहेंगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते, गांव वाले नहीं चाहेंगे अपन उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनकी पहले चाहत को अपने को पक्का करना पड़ेगा, तब हमारे दंपति, हम लोग और सरकारी संस्था या जो भी होते वो कुछ परिवर्तन पूरा ला सकते हैं। अकेले यदि हम लोग चाह लेंगे तो गांव में परिवर्तन नहीं आएगा, और युवा वर्ग भी यदि वहां पर दंतमंजन बनाने का काम कर रहे हैं, गांव वाले नहीं खरीदेंगे तो उसका बिकेगा कहां पर, इसीलिए उसकी व्यवहार कुशलता कितनी अच्छी है। तो एंटरप्रेन्योर की जितनी भी बातें होती है ना, क्या क्या होना चाहिए, हम लोग पहले से बच्चों को बताते थे। पिछले 5 वर्षों में वह संख्या 500 गांवों से बढ़ी भी है, या उनको ही मॉडल गांव के रूप में स्थापित करने में दीनदयाल शोध संस्थान का जोर दिया गया है? मान्यवर नाना जी ने ये कहा था, चित्रकूट एक मॉडल होगा, ये मॉडल जब सक्सेस होगा तो पूरी देश में उसको रिप्लिकेट करने का काम होगा। नाना जी की इच्छा ये नहीं थी कि हम लोग 1000 या जो 6 लाख गांव है उसमें पूरा पूरा काम दीनदयाल शोध संस्थान करे। तो जब हम लोग वहाँ पर नाना जी के सामने भी काम करते थे, नाना जी के बाद भी जब वो भौतिक रूप में नहीं थे काम करते थे, 500 गांव में घनीभूत काम किया गया है, आसपास के ऐसे विलेजेस होंगे जिसमें उससे ज़्यादा गांव के लोग उनको प्रभाव कर पाए अपन लोग, लेकिन हम लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया था वो 500 विलेजेस, 250 गांव मध्य प्रदेश में, 250 ग्राम उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट सेंटर में 50 किलोमीटर रेडियस की परिधि में हम लोगों ने काम किया। अभी अपना काम देख देख कर दूसरी संस्थाएं, दूसरे युवा वर्ग हर जगह पर ऐसे काम कर रहे हैं। आज आप चंडीगढ़ में हैं, आपने ERDC में मुख्य अतिथि के रूप में आपका प्रेरक उद्बोधन प्राप्त हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से IIT रोपड़ के टेक्नोक्रैट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेक्नोक्रैट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेक्नोक्रैट्स, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूनियन ऑफ टेरिटरी गवर्नमेंट का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके टेक्नोक्रैट्स, उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया है कि जो गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सामाजिक जीवन में रहते हुए भी गाँव के बदलाव के लिए उनके अंदर उत्कंठा है। बिल्कुल,
ऐसे नवयुवा जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव की दिशा बदलने के लिए और दशा बदलने के लिए काम करना चाहते हैं, उनके भीतर वो ऐसा कौन सी प्रेरक शक्ति हमेशा लंबे समय तक बनी रहे ताकि वो अपनी परिकल्पनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को साकार कर पाएं, उनके लिए मैं आपका सार्थक संदेश चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम था उसके लिए मैं सभी को हृदयपूर्वक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रयत्न से ही कोई भी काम है वो सफल होता है, आज हमको देखने को मिला। और युवा वर्ग के लिए एक ही बात है, सबसे पहले वो, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा माँ की कोख से सीखता है, तो मैं लड़कियों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ। आज वो लड़की है, उसको देखने संभालने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कल को जब वो माँ बनने वाली होती है उस टाइम पे वो इतना कोशिश करें कि पैदा होने वाला बच्चा उद्यमी पैदा हो, क्योंकि अभी जो बच्चे पैदा हुए उन सबके लिए आप सब लोग हैं और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और वो लोग एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे और देश के लिए काम करेंगे, गांव के लिए काम करेंगे, कच्चा माल के वो लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, टेक्निकली वो लोग बहुत साउंड होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि ये चमकती धमकती दुनिया में कोई गाँव के लिए काम नहीं करेगा, और गाँव नहीं बचा तो अपना राष्ट्र नहीं बचेगा, अपना भारत नहीं बचेगा। इसीलिए मैं प्यारी एडोलेसेंट गर्ल्स, जिनको किशोरी अवस्था में जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ, जब आप माँ बनने वाले होंगे, ऐसी बुक्स, आज जैसे आपने फूलों की जगह पर सुंदर सुंदर पुस्तकें दिया, प्रयोग शुरू किया है जिसको हम ग्रंथ गुच्छ कहते हैं, बिल्कुल ये ग्रंथ गुच्छ से ही ऐसी लड़कियां पूरा पढ़े, ऐसे बच्चों को पैदा करें, वो उद्यमी हो, दूसरों को छीनने की झपटने की आदत ना हो, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यकता को देखते हुए ऐसे बच्चों को पैदा करें ताकि हमारा समाज स्वावलंबी बने और अच्छा हो। और स्वावलंबन, स्वरोजगार ही स्वावलंबन का आधार है, जो स्वरोजगार करता है वही स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी व्यक्ति ही दूसरों को खुशहाली दे सकता है, क्योंकि वो छीनता नहीं है, वो देता है। तो भारत कभी भी दूसरों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हम लोग हर समय देते आए, यही मानसिकता वाले युवा की आज ज़रूरत है, ये होगा तो उद्यमिता होगा। एक छोटा सी चीज़ है, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी जब थे, वो चित्रकूट आए थे, 3 दिन का प्रवास था, तब वो प्रधानमंत्री जी थे और हमारी उद्यमिता प्रकल्प भी उनको देखना था, कलाम साहब भी आए थे, लेकिन अटल जी के एक उदाहरण है, क्योंकि वो तो कवि हृदय वाले, वो आए तो फिर हमने उद्यमिता की पूरी तैयारी करी थी कि माननीय अटल जी आ रहे हैं, हम दिखाएंगे उद्यमिता। तो जब वो आए और उनको भोजन कराने के लिए नाना जी ने हमको बुलाया था, आ जाओ भोजन करा के फिर काम पे जाना, एक रात पहले एसपीजी वाले आते हैं और कहते हैं, मैडम क्या कर रहे हो, आपके यहाँ अटल जी नहीं आने वाले। इतनी बड़ी 60 फीट की मैंने एक प्रदर्शनी लगाई थी, छोटा सा प्रदर्शनी लगाए थे, वो नहीं आने वाले, बंद करो, रात के 1 बज रहा था, वो मुझे पहचानते नहीं थे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम करेंगे। फिर एसपीजी वाले आए, मैडम ये क्या कर रहे हो, अटल जी नहीं आने वाले, आप क्या कर रहे हो। हमने उनको बोला कि शबरी जी ने क्या किया था, तो वो लोग चले गए। फिर मैं दोपहर को भोजन करने को करवाने के लिए गई अटल जी को, तो अटल जी इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमसे पूछा नाना जी ये कौन है, बोले नाना जी ने मुझे परिचय दिया, नंदिता है ये। तो कहते अरे नंदिता तुम करती क्या हो, तो मैंने कहा भाई साहब मैं उद्यमिता चलाती हूँ। उन्होंने इस अंदाज में हमसे उद्यमिता पूछा, ये उद्यमिता क्या है, मैं भी उनको उसी अंदाज में दिया उत्तर, मैंने कहा भाई साहब उद्यमिता मैं उद्यमी बनाती हूँ। बोले मैं देखूंगा, मैंने कहा वो कट गया आपका, आप देख नहीं सकते। अटल जी उस दिन, आप सोच सकते प्रधानमंत्री जी लोग ऐसे होते हैं, उद्यमिता ऐसे चढ़ावा करना होता है, वो बोले अरे कोई नहीं रोक सकता, मैं आऊंगा उद्यमिता देखने। यही संदेश मैं देना चाहती हूँ युवा वर्ग को, कुछ भी बड़ा आदमी बनो लेकिन दूसरों के काम की तारीफ करना ना भूलें। तो वो अटल जी ऐसे चढ़ते हुए आते हैं, अचानक गाड़ियाँ सब उनका रुक जाता है, उद्यमिता में उतरते हैं और उद्यमियों का पूरा वो तारीफ करते हैं। तो हर उद्यमी की तारीफ होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, वो प्रेरक सकती, प्रेरक, यही प्रेरणा देती है दूसरे को उद्यमी बनाने के लिए। आज आप ERTC कॉन्क्लेव में पधार के हम सबको प्रेरक संदेश दिया है, बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आभार।